बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग ईएम वेव से आके रे ऑप्टिक्स पे आ चुके हैं और रे ऑप्टिक्स का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और इसको अगर मैं देता हूँ क्लास में तो नॉर्मली 95% ऑफ द बैच नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई लोगों को ईजी लग रहा होगा, बट जब इसका आंसर मिलाओगे तो उतना भी ईजी नहीं है। मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, 8 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, हुज वन फेस इज सिल्वर्ड, एक फेस सिल्वर्ड है, एज सोन इन द फिगर, जैसा फिगर में देखा है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 9 सेंटीमीटर, स्लैब की थिकनेस दे रखी है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफकोर्स नहीं दे रखा है क्योंकि वही तो पूछा गया बात है। ग्लास की स्लैब, ऑब्जेक्ट एक स्लैब के सामने रखा है बट ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब की इनफेक्ट सिल्वरिंग कर रखी है, तो ग्लास स्लैब एक टिपिकल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव नहीं करेगा, ग्लास स्लैब के साथ साथ वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा, सिल्वरिंग करने से ये प्लेन मिरर बन चुका होगा। तो अब हमें बताया गया कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस बन रही है, यहाँ का इमेज बन रही है, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया कि ऐसा होने के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, कैसे करेंगे बताओ बताओ, जितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा हो वो कुछ तो बताओ, कैसे जब भी हम ग्लास स्लैब की सिल्वरिंग करते हैं तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। एनीवन, ओके चलो करते हैं। देखो किसी भी चीज की सिल्वरिंग करने से मिरर बन जाता है, ग्लास स्लैब बिल्कुल इस टाइप का एक स्लैब है, ये तो खैर बहुत पतला होगा, ग्लास स्लैब थोड़ा सा मोटा मान सकते हो, इसमें एक साइड सिल्वरिंग करने से यहां पे अगर सिल्वरिंग कर दोगे तो प्लेन मिरर बन जाएगा, और जो ग्लास स्लैब है वो क्या करता है, ग्लास स्लैब तो रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेजिंग करता है, तो ये जो ग्लास स्लैब है इनफैक्ट सिल्वरिंग करने के बाद ये वाली सरफेस एक अलग से एक प्लेन मिरर की तरह दिखा दी जाए तो ज्यादा अच्छा हो, तो अब ये एक नहीं दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, ग्लास स्लैब प्लस प्लेन मिरर। तो अब इस ऑब्जेक्ट जो इसके सामने रखा जाएगा उसकी इमेज कैसे बनेगी, तो ये एक ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी है, डिस्टेंस बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ग्लास स्लैब के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ग्लास स्लैब क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाता है नॉर्मल लाइन पे सम डिस्टेंस शिफ्टेड, जिसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू ग्लास स्लैब की कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू होती है टी 1 - 1/μ, जहां पे टी होती है ग्लास स्लैब की थिकनेस, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी होती है ग्लास स्लैब की थिकनेस, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमारा टी 1 - 1/μ वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस पे ग्लास स्लैब अपने सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द रेज शिफ्ट कर देता है, टूवर्ड्स द रेज शिफ्टिंग होती है टी 1 - 1/μ की डिस्टेंस की, यहां पे भी हुई होगी, टी है ग्लास स्लैब की थिकनेस, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी मुझे पता है ग्लास स्लैब की थिकनेस 9 सेंटीमीटर बट म्यू तो नहीं पता है, तो एक काम करता हूं टी 1 - 1/μ को जो ये शिफ्ट हो रहा है ग्लास स्लैब की वजह से इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने 8 सेंटीमीटर पे था ग्लास स्लैब इसको शिफ्ट कर देगा, ग्लास स्लैब ऑब्जेक्ट ऐसे रेज आएंगे तो ग्लास स्लैब इसकी एक इमेज बनाएगा I1 और ये जो शिफ्टिंग होगी वो x की होगी, तो x से शिफ्ट होने के बाद ये जो 8 था वो कम होके 8 - x हो गया। अब ये अगर 8 - x है तो ये 9 था, तो यहां प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 9 + 8 = 17 - x, प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर उतनी ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर के लिए ग्लास स्लैब ने जो इमेज बनाई थी वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब भी आपके पास मल्टीपल
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मल्टीपल मिरर्स, लेंसेस, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करना, नॉलेज ओशियन। हाय सर, आंसर फोर्थ, विच क्वेश्चन नॉलेज ओशियन? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस ग्लास स्लैब क्वेश्चन और द अर्लियर वन? अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नॉलेज ओशन, मैं क्या बता रहा था, जैसे मान लो मेरे पास एक लेंस के बाद एक और लेंस, एक लेंस के बाद एक मिरर, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। इस साल तो जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने रखा है ग्लास स्लैब का क्वेश्चन। मिक्स, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे रेज को रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, पहला जो इंस्ट्रूमेंट इमेज बनाएगा वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ये होती है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ग्लास स्लैब ने इसको अगर एक्स शिफ्ट किया दोनों बार अपनी सर्फेस पे रिफ्रेशिंग के बाद, तो ये 8 माइनस एक्स, तो इस प्लेन मिरर से 9 और 8 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स की डिस्टेंस है। प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनती है, तो 17 माइनस एक्स का जवाब होगा 17 माइनस एक्स पीछे इमेज I2। ये बना दी ग्लास स्लैब से जो इमेज बनी थी वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर ने जो इमेज बना दी I2। बट दिक्कत ये है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमको दिखेगी थोड़ी ना, वो प्लेन मिरर की जो इमेज है वो दिखने के लिए भी, मान लो जैसे I2 है, I2 से अगर रेज आ रही होंगी तो हमें दिखेंगी तभी, सॉरी ये I2 से अगर रेज आ रही होंगी तो वो दिखेंगी हमें तभी जब हम यहां से देखें तो वो ग्लास स्लैब से हो क्या है, तो एक बार फिर से इन रेज को ग्लास स्लैब से होकर जाना पड़ेगा, एक बार फिर इन रेज को ग्लास स्लैब से होकर जाना पड़ेगा, और ग्लास स्लैब से जब ये होके जाएंगी तो ग्लास स्लैब इनको फिर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द रेस। तो ये जो 17 माइनस एक्स है ये एक बार फिर टुवर्ड्स द रेस, ऐसे रेस आएंगी इधर की तरफ जाने के लिए, तो फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी एक्स, T1 -1/μ। ग्लास स्लैब के आगे रखो चाहे पीछे रखो, उसको तो T1 -1/μ यानी एक्स शिफ्ट करना है, तो ये फिर से एक्स शिफ्ट करेगा, तो ग्लास स्लैब से ये डिस्टेंस 17 - x में से एक्स कम होके 17 - 2x बन जाएगी। और हमें लिखा था कि जो फाइनल इमेज है वो सिल्वर्ड फेस से 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है, और हमारे हिसाब से ये 17 - 2x आ रही है, तो 17 - 2x को 10 कर दें, 17 - 2x को 10 कर दें, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 17 - 10 यानी कि 7, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 7/2 यानी कि 3.5। हमको कुछ और निकालना था, x की वैल्यू 7/2 आई तो t यानी कि ग्लास स्लैब की थिकनेस 9, 1 - 1/μ, हमें तो म्यू निकालना था। तो देखिए 1 - 1/μ ये यहीं रहने देते हैं, ये आ गया हमारा 7/9 - 18, 1/μ आ गया 1 - 7/18, 18 में 7 गए तो 11/18, 11/18, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 18/11, म्यू की वैल्यू अगर 18/11 आई तो कितना हो गया 1.7, तो ये आएगा 1.6 समथिंग। एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1.6 थी फर्स्ट ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। तो नॉलेज ओशन ने हाय सर आंसर फोर्थ 1.2 तो नहीं आ रहा है आंसर, 1.63 आ रहा है नॉलेज ओशन। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, और मैं एक बार बता देता हूँ कि कहाँ पे लोगों से गड़बड़ी हो जाती है। ग्लास स्लैब है, मैं आपको ग्लास स्लैब कुछ ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लो ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने सिल्वरिंग कर दी है, तो पहला काम क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगा ग्लास स्लैब शिफ्टेड इधर, जो होगा पहला। ग्लास स्लैब हटा दो, उसकी एक सिंगल सरफेस मिरर का काम कर रही है, तो मिरर के सामने जितना ऑब्जेक्ट हो उतनी पीछे इमेज बना दो। थर्ड, फिर से देखने के लिए आपके और इमेज के बीच में ग्लास स्लैब है, तो दिखेगी तभी तब ये ग्लास स्लैब से रेज होके जाएंगी, तो फिर से ग्लास स्लैब रिफ्रेक्शन करेगी। तो इसमें तीन बार आपको तीन इंस्ट्रूमेंट लेने हैं। ग्लास स्लैब ने रिफ्लेक्शन किया लेवल 1, प्लेन मिरर ने रिफ्लेक्शन किया लेवल 2, फिर प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन हुआ वो फिर ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई थी I2 वो फिर ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट है, और फाइनल जो इमेज बन रही है 17 - 2x I3 वो बन रही है ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद। तो ग्लास स्लैब दो बार रिफ्लेक्शन कर रही है, प्लेन मिरर एक बार रिफ्लेक्शन कर रहा है, लोग क्या करते हैं तीसरा वाला नहीं लेते हैं, और उसी वजह से आंसर गड़बड़ हो जाता है। तीसरा वाला लेना बहुत जरूरी है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, और ऑप्टिक्स में आप देखो क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ओवर द इयर्स नीट में आप हाई रही है। अब देखो अच्छे क्वेश्चन आए नीट में, मिक्स क्वेश्चन आए हैं, और ग्लास स्लैब पिछले कई बार से नहीं पूछी गई है, तो मेरी प्रडिक्शन ये कहती है कि इस बार नीट 2020 26 जुलाई 2020 को ग्लास स्लैब आएगा और इस टाइप की मिक्स कॉन्सेप्ट।